नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हिम तक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए 10 सबसे बड़ी नौकरियां, जॉब्स के जो नोटिफिकेशन निकले हुए इस टाइम, उनकी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी ये नोटिफिकेशन है और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 जो सबसे बड़ी नोटिफिकेशन अभी निकले हुए हैं मई 3rd वीक में, तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो कैन फिन होम लिमिटेड की नोटिफिकेशन है, कौन सी वैकेंसी भरी जाएंगी, मैनेजर की इसमें वैकेंसी भरी जाएंगी और प्लेसमेंट कहाँ होगी आपकी। तो ये स्टेट के नाम आपको दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। और ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप पूरी जानकारी और कैसे अप्लाई करना है वो आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें मैनेजर की पोस्ट भरी जाएंगी, एज क्या होनी चाहिए तो वो आपको बताई हुई है, 1/6/2019 तक आपको किस प्रकार से एज में बेनिफिट होगा। तो एज जो आपकी होनी चाहिए 25 साल तो इसमें दी हुई है और 35 साल इसमें आपकी होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो 30 पोस्ट इसमें भरी जाएंगी, मैनेजर की पोस्टें होगी और रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी वो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। वीडियो को रोक लीजिएगा अगर आपको पूरी जानकारी ये देखनी है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो मैनेजर की पोस्ट होगी यानी ग्रेजुएट अगर आप हो और 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल, पोस्ट, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस किस प्रकार से चाहिए आपको, आपकी स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ रही है। बात कर लेते हैं सैलरी की, सैलरी क्या होगी इसमें, तो मैनेजर की ये पोस्ट है, सैलरी इसमें आपकी ये सैलरी रहेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं, 28,000 सैलरी होगी और ये पूरी जानकारी ग्रोस पे क्या होगी, इस किस प्रकार से आपको मिलेगी, तो पूरी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। अब क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम आपको वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर ला रही, ये वेबसाइट होगी canfinhomes.com/careerasps, इस पर आप जाइएगा। ऑनलाइन आप इसमें पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं क्या आपको करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा पूरी जानकारी हम आपको इसमें दे रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वीडियो को रोक लीजिएगा। तो बात करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के लिए अगर कैनपेन होम लिमिटेड की अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है www.canpinhomes.com, इस पर जाकर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, कौन सी वैकेंसी, तो उस पर जाएं। उसके बाद अगली नोटिफिकेशन की बात करें तो SSC में मल्टीटास्किंग स्टाफ, अगर आप 10वीं पास है, 10th पास है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या, उस पर हम आपको जानकारी दे दें तो 1,000 से लेकर 10,000 तक इसमें पोस्टें भरी जाएंगी और आपको पता है क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपकी जॉब SSC में पक्की। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। ऑनलाइन डेट इसकी शुरू हो चुकी है 22 अप्रैल से 29 मई तक आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट जो फीस सबमिट करवाने की वो 31/5/2019 तक होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें आप चलान कटवा सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी क्या, उस पर हम आपको जानकारी दे देते तो 10,000 तक इसमें वैकेंसी होगी और सैलरी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इस प्रकार से आपको इसमें सैलरी मिल गई। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 10,000 के करीब इसमें पोस्टें भरी जाएंगी। और इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगी, तो आपको इसमें SC ST छूट मिलेगी आपको और स्वर्ण आरक्षण का भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, आप अगर भारत के हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल, भूटान वाले और तिब्बतन रिफ्यूजी जो 1962 से पहले आगे वापस, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की हम बात करें, SSC MTS पोस्ट जो निकली हुई है अभी 10,000 के पास, तो 18 से 25 साल आपके जनरल वालों के लिए एज होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में कहें तो 2/8/1994 तक इसमें एज होनी चाहिए और 18 से 27 साल OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं और बाकी SC ST के लिए इसमें छूट दी होगी। तो फिर SC ST के लिए बात करें तो 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल, PWD जो कैंडिडेट होगी ये इनके लिए 10 साल की छूट होगी, जो दिव्यांग पर्सन है जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल की इसमें छूट होगी। OBC वाले जो दिव्यांग हैं इनके लिए 13 साल की छूट होगी और जो PWD वाले हैं इनके लिए SC ST के लिए 15 साल की छूट होगी। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल की छूट होगी। बाकी आपकी स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये MTS की भर्ती हो रही है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है, आज 16 मई ही और अभी 10 दिन का टाइम है आपके पास। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो 10 से 13 दिन का टाइम आपके पास इन
तो आप अप्लाई अगर करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन की हमने आपको जानकारी दे दी, आप इसके लिए 10th पास होने चाहिए, ये इसमें आपको पूरी जानकारी दी हुई है। तो MTS की ये पोस्टें भरी जाएंगी, मल्टी टास्किंग स्टाफ की ये पोस्टें भरी जाएंगी। 10th पास अगर आप हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद अगली नोटिफिकेशन की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी 24/4/2019 को, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में ये वैकेंसी भरी जाएंगी। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी उस पर जानकारी हम आपको देंगे। ऑनलाइन आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, ये www.upscionline.nic.in, इस पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो BSF में 100 पोस्टें भरी जाएंगी, CRPF के 108 पद इसमें भरे जाएंगे, CISF के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 28 पोस्टें भरी जाएंगी, ITBP की 21 पद इसमें भरे जाएंगे, SSB सीमा सशस्त्र बल जो इसमें 66 वैकेंसी भरी जाएंगी, 66 पद। तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, 323 पद इसमें ये भरे जाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे आपके, वो आपकी स्क्रीन पर हम ला रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर आप इनको नोट कर सकते हैं। स्टेट वाइज एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेंगे इसमें, तो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसके अप्लाई नहीं किया तो फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है हर वैकेंसी के लिए। इसमें जो मेल एंड फीमेल है ये सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में, इसमें लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी, आयु जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में बताए तो 1 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 1999 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिलेगी, तो पूरी जानकारी हम आपको बार बार बता चुके हैं कि रिलैक्सेशन आपको किस प्रकार से मिलती है। तो रिलैक्सेशन में 3 साल OBC SST के लिए 5 साल की इसमें छूट होगी। और बाकी अगर आपको कुछ जानकारी इस पर और चाहिए तो UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फीस की बात कर ले तो फीस जो 200 रुपये आपको देनी पड़ेगी, बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये फीस इसमें देनी पड़ेगी। बाकी जो अदर है जैसे फीमेल SC ST वाले उनके लिए कोई फीस इसमें नहीं होगी, एग्जेम्प्टेड बताई हुई है। मेन स्किन के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये पद भरे जाएंगे, तो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। UPSC आपको पता है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS, IPS जो SP वगैरह बनते हैं बाद में, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सबका सिलेक्शन यही करती है UPSC। एक सेंट्रल लेवल पर जितनी बड़ी पोस्ट होती है उनका सिलेक्शन यही करती है। तो इसकी ये नोटिफिकेशन इसके द्वारा जारी की गई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपका इनमें सिलेक्शन होगा। बात करते हैं अग्रीन नोटिफिकेशन की, बात करें अगली नोटिफिकेशन को तो एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की नोटिफिकेशन, वॉक इन इंटरव्यू द्वारा आपका इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन होगा। और पूरी जानकारी के लिए आपको हम वेबसाइट बता देंगे, वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। कस्टमर एजेंट की ये पोस्टें भरी जाएंगी, ग्रेजुएट अगर आप हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हम हर पोस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कौन सी पोस्ट का लिंक कहाँ पर है। तो वॉक इन इंटरव्यू द्वारा ये पोस्टें 15 इसमें भरी जाएंगी कस्टमर एजेंट की। उसके बाद ये रैंप सर्विस एजेंट की 4 पोस्टें भरी जाएंगी, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट IIT विद NCVT BT, ये टोटल 3 ईयर मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग। तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इस प्रकार से 26/5/2019 को आपका ये इंटरव्यू होगा। और उसके बाद जो इसमें वैकेंसी है ये सेम रहेगी, 6 पोस्ट इसमें अलग से भरी जाएंगी। जनरल के लिए एज 28 साल होनी चाहिए, OBC वालों के लिए 31 साल और ST वालों के लिए 33 साल। 26/5/2019 को आपका इंटरव्यू होगा। होटल लाफ एस गार्डन्स, तो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये गोवा में आपका इंटरव्यू होगा इसके लिए। और पूरी जानकारी के लिए एक बार आपकी स्क्रीन पर हम आपको एड्रेस बता देते कि एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर है और किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई करोगे। जैसे यूटिलिटी एजेंट कॉम रैंपर ड्राइवर की पोस्टें भरी जाएंगी 10, एड्रेस ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पर आपका ये इंटरव्यू होगा 26/5/2019 को। जनरल के लिए एज क्या चाहिए, सैलरी क्या मिलेगी आपकी, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए 10वीं पास, अगर आप 10th पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं।
पूरी जानकारी के लिए आप एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की इस वेबसाइट पर जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा तो वो पूरी जानकारी आपको इसमें बताई हुई है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कस्टमर एजेंट के लिए। द कंपनी हैज़ बीन डिस्क्रिप्टेड में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। तो पूरी जानकारी के लिए आप इसके जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो वेबसाइट क्या है उसकी जानकारी हम आपको बता देंगे। तो हाउ टू अप्लाई वो आप देख लीजिएगा। तो बुक इन द पर्सन टू द वेन्यू ऑन द डेट एंड टाइम टू स्पेसिफाई अबाउट द लोन विद एप्लीकेशन। नोटिफिकेशन की जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नवार्ड की नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो कैसे आप अप्लाई करेंगे और पोस्ट कौन सी होगी, एसेट मैनेजर ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस RDBS की नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे इसके लिए और कब तक अप्लाई आप कर सकते हैं वो जानकारी हम आपको दे देंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर एंड पेमेंट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन वो जो आपकी स्क्रीन पर आ रही 10 मई से आप 26 मई 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। वेबसाइट की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आ रही cgrs.ibps.in, इस पर आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स हम अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही क्या क्या इसमें आपका होना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगी। तो ये 79 जो पोस्ट इसमें भरी जाएंगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप नाबार्ड की वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी और इसमें इसके बाद भी बहुत सी वैकेंसी है जिन पर हम आपको अलग से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी की गई है पूरी जानकारी के लिए अलग से जो वैकेंसी है उनकी डिटेल से आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दे देंगे। तो आज के लिए इतने, नमस्कार।